अब आप कौन बनेगा करोड़पति के सभी आकर्षक बिहाइंड द सीन और सेलिब्रिटी वीडियोस देख सकते हैं kbcsony.com पर। kbcsony.com पर आप खेल सकते हैं केबीसी गेम्स और जीत सकते हैं iPads। इस ग्लोब क्विज में आप अपने कंट्री से संबंधित सवालों को चूज कर सकते हैं और पा सकते हैं इंस्टा हॉट सीट पर बिग बी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका। तो जल्दी कीजिए और लॉग ऑन करें kbcsony.com पर। चलो पैसा निकाल। आएगा पैसा? पैसा क्यों दूं? अबे मेरे लाल टमाटर नीले बैगन, हर बार पूछता है काय का पैसा है? पकिया के इलाके में दुकान लगाने का, इस बस्ती की हवा में सांस लेने का और तेरी जान की सलामती का पैसा, ये फिर में आएगा क्या? फोकट में मिलेगा तेरे को? चल पैसा निकाल, जल्दी निकाल। लो लो जाओ बाबा। चल रे पानी पूरी निकाल। ए कान में मैल गया क्या? चल निकाल। चल ये फिर से आ गए यहाँ पे, नाक में दम कर रखा है इसने। ऐसे मुजरिमों को तो सिर्फ CID ही सबक सिखा सकती है। अबे बर्फ के गोले, चल निकाल। ये टाइम घोटी मत कर रहे, निकाल निकाल। सचिन तैयार है ना? तैयार हूँ सर। अरे ये CID की गाड़ी है ना? हाँ पर CID यहाँ कैसे? चलो ना इस पकिया की शिकायत करते हैं। नहीं नहीं रहने दो, बिना वजह ऐसे लोगों से मुसीबत लेने से कोई फायदा नहीं। चल रे प्यारे पान वाले, बढ़िया बनारसी पान केला, और सुन पान असली बनारसी होना चाहिए वरना तेरे को बनारस भेज दूंगा क्या? आइए मैम सर, आइए इस तरफ आइए। रुक जाओ। अरे CID वाले मैम साहब, आप जाइए घर में जाइए जाइए। अबे ये कौन आ गए पकिया के इलाके में फटाके फोड़ने वाले? आज तुम दोनों बच नहीं सकते, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। आप फिक्र मत कीजिए मैम साहब, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अंदर बैठो, बैठो। चल 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 चल। सचिन तुम ठीक हो? आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप जाइए प्लीज प्लीज। चाहते क्या हैं ये लोग? आ जाओ आप लोग, ये पकिया का घर है, इधर डरने का नहीं। बिंदास आ जाओ। अरे आपको तो खून निकल रहा है। हाँ वो बस ऐसी खरोच लगी। अब इधर बैठो 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 बैठो। अरे बताना चाहिए ना आपको, थोड़ा जलेगा ठीक हो जाएगा। संभलिए मैं करती हूँ। नहीं नहीं ऐसा कैसे, पट्टी बांध दो आप। पता नहीं मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगी, अगर आज आप सही समय पे नहीं आते तो CID के किसी गोले पे मेरा ही नाम लिखा था। अरे CID और कानून वालों से मैं भी उतना नफरत करता हूँ, लड़की पे गोली चलाती है बताइए तो। और तुम क्या कर रहा था? तुम बॉडीगार्ड है ना इनका, ख्याल रखना चाहिए ना तुमको। तुम मुझे मेरा काम मत समझाओ चिराग। तुम्हें क्या जरूरत थी इस बीच में पड़ने की? ये मेरी बस्ती है, इधर का दादा हूँ मैं, पकिया दादा। मेरी इज्जत तभी होगी ना जब मैं लोगों का ख्याल रखेगा। मेरे इलाके में फायरिंग कर रहे थे। पकिया भाई तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। नहीं मैं जानता तो नहीं, पर क्या बात क्या? मेरी जान बचाई है, अब तुम्हें मेरे पति से मिलना पड़ेगा। पति से? अरे क्यों भाई, तुमने मेम साहब की जान बचाई है, बॉस से तो शाबाशी लेनी पड़ेगी ना। अरे नहीं नहीं मेरे को कोई शाबाशी वाबाशी नहीं चाहिए। हेलो हाँ बॉस, आपको पता चल गया? मेम साहब बिल्कुल ठीक है बॉस, घबराने की कोई बात नहीं। जी मैं उन दोनों को लेकर आता हूँ। जी आप लोग बॉस के पास चलना पड़ेगा। तुम्हारे बॉस को बहुत जल्दी सब पता चलेगा, ठीक है
फिर तो मिलना पड़ेगा। चलो आ जाओ। अरे किधर है तुम्हारे बॉस भाई, किधर है वो? देखो तो तुम ही हो नौजवान। पाकिया, पाकिया नाम है मेरा। मजाक? मेरे साथ मजाक? अच्छा, मेरा नाम तो तू जानता ही होगा ना। अभी साहब आप मजाक कर रहे हो, अपना नाम बताया नहीं तो मैं जानेगा कैसे? मेरे बॉस को नहीं जानते? इनके सामने अच्छे अच्छे महारथी भी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगते हैं। इनका नाम है दिलावर। दिलावर सर? सॉरी सर, दिलावर साहब को कौन नहीं जानता। ये तो मेरी खुशकिस्मती है सर कि मैं दिलावर। तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? जी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें हल्की सी भी खरोंच आती है तो मेरी आवाज गले में अटक जाती है। मैं ठीक हूँ। चिराग, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। माफ करना बॉस, गलती हो गई। गलती का एक ही नतीजा होता है और उसे कहते हैं सजा, और तुम्हें अपनी ड्यूटी ना निभाने की सजा जरूर मिलेगी। कैसी सजा बॉस? मौत। सर, ये क्या कर दिया आपने? मार दिया बेचारे को? बेचारा नहीं था ये, कमजोर था ये। और दिलावर को कमजोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तू तो कमजोर नहीं है ना? नहीं, मैं आप तो देख ही रहे, मैं हट्टा कट्टा आदमी हूँ सर, मैं बिल्कुल कमजोर नहीं हूँ। आज से सोनल की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे है, अब से तू इसका नया बॉडीगार्ड। नहीं नहीं सर, मैं किसी का बॉडीगार्ड नहीं कर सकता सर, प्लीज सर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। इसे तू अपनी खुशकिस्मती समझ या बदकिस्मती, लेकिन सच्चाई ये है कि अब हमारे रास्ते मिल चुके हैं, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरा अंजाम भी वही होगा जो चिराग का हुआ है। मंगर बता। बिल्कुल सही वक्त पर आए साहब, तवा गर्म है, सेक लीजिए इंसाफ की रोटी। कितने लोग हैं दिलावर के अंदर? यही कोई 3-4 लोग होंगे साहब। ठीक है, ले ले पराठे खा, निकल ले। सामने लगता है उन लोगों ने हमें पहचान लिया। कैसे हो तुम? खास नहीं सर, बस हाथ पे लगी। दिलावर तो यहाँ था ही नहीं, उल्टे इन लोगों को भी मालूम था कि हम लोग आने वाले हैं, सब प्लान था इनका। जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो, चलो। सर
अब आप कैसे हो सर? हाथ में ज्यादा दर्द तो नहीं है? दर्द नहीं, अफसोस है कि मुजरिमों को पकड़ नहीं पाए। समझ सकता हूँ मैं अभिजीत, सब समझ सकता हूँ, लेकिन दिलावर को पकड़ने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा हमें। समझ में नहीं आता मुझे कि कहाँ भूल हो गई हमसे और कैसे भूल हो गई। यस सर, मुजरिमों को पता चलता है कि सीआईडी आने वाली है तो वो भाग जाते हैं, लेकिन दिलावर की गैंग का हौसला देखिए, हमसे भिड़ने के लिए तैयार बैठे। मगर सर, उन्हें पता कैसे चला कि हम लोग उन पर हमला करने वाले हैं? ना तो हम में से किसी का फोन ट्रैक हो रहा था और ना ही किसी के पास कोई बग मिला है। वो खबरी मंगर, या उसी पे शक है मुझे। सिर्फ मंगर जानता था कि हम लोग दिलावर पे हमला करने वाले हैं। इस मंगर ने गद्दारी की है सर। अभिजीत, वही 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 मंगर, उसी ने किया ये सब कुछ। और ये दिलावर 5 साल के बाद में शहर में आया, वो ऐसे ही नहीं आया, कोई बड़ा धमाका करने वाला है वो, बड़ा धमाका। लेकिन हम उसको उसके प्लान में कामयाब होने नहीं देंगे। इस मंगर का मुंह खुलवाना होगा। इसे 2-2 गोलियां लगी हैं। सचिन, फौरन एम्बुलेंस को फोन करो। मंगर क्या मिला तुम्हें सीआईडी के साथ गद्दारी करी? जिन लोगों के लिए तुमने हमें धोखा दिया, उन्होंने ही तुम्हें गोली मारी? मैंने आपको धोखा नहीं दिया साहब। दिलावर के आदमी हम पर नजर रखे हुए थे, उन्हें पहले से ही पता था कि आप लोग जोल्टर पब पर छापा मारने वाले हैं। नजर रखे हुए? कौन कौन था वो आदमी? नाम क्या उसका? मुझे पता नहीं साहब। दिखता कैसा था? कहुआ रंग था, लंबी नाक और बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी। और कुछ? मैंने पकड़ने की कोशिश भी की थी उसे, पकड़ तो नहीं सका उसे। उसकी कमीज की जेब मेरे हाथ में रह गई और ये कागज भी। मंगर, बस 5 मिनट में एम्बुलेंस आ रही। बहुत देर हो गई सचिन, ही इज डेड। लेकिन जाते जाते हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर गए। दिलावर गैंग के आदमी की जेब में रखा ये कागज दे गया। लिखा क्या है इसमें? मंगर ने मरने से पहले उस आदमी का हुलिया बताया था, बस उसका स्केच बनवाओ। मुझे वो आदमी किसी भी हालत में चाहिए। लग जाओ काम पे सब लोग। अपना शिकार मिल गया सर। वो मकानी बस्ती में मच्छियां खरीद रहा था। मकानी बस्ती में? ठीक है, उस पर नजर रखो, हम लोग थोड़ी देर में वहां पहुंचते हैं। यस सर। बोलो सर। मकानी बस्ती रूम नंबर 113 में गया है वो। कमरा नंबर 113, मकानी बस्ती। सोमवार से शनिवार सुबह के 9 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, मतलब 6 दिन 5.5 घंटे, और सर शाम में 4 से 6 बजे तक सुमे। हाँ, ऐसी दिनचर्या, ऐसा टाइम टेबल तो इन बदमाशों का हो ही नहीं सकता, दिलावर के या फिर उसके किसी गैंग वाले का। हाँ सर, लेकिन ये दिनचर्या किसकी हो सकती है?
हाँ, एक हो सकता है कि ये टाइम टेबल चिराग के किसी आसपास के आदमी का हो सकता है। सर, कहीं ये दिनचर्या उसकी बीवी या उसके बच्चे की तो नहीं? बीवी या बच्चे की? बच्चे की हो सकती है, बच्चे की हो सकती है। सोचो जरा, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक स्कूल, और फिर शाम के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक स्विमिंग। हाँ सर, और फिर शायद स्कूल में ही स्विमिंग क्लास होती होगी पढ़ाई पूरी होने के बाद। बिल्कुल फ्रेडी, बिल्कुल यही हो सकता है। पता लगाना पड़ेगा शहर में ऐसी कितनी स्कूल्स हैं जिनकी ये दिनचर्या, ये टाइम टेबल है। चिराग, दिलावर, पांडे चू किधर? इधर सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया तुमने सर। लेकिन आपको पता नहीं सर, मुझे इसके घर तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। अरे यार, आसान काम थोड़ी ना देंगे तुमको। एक बात समझ में नहीं आ रही है दया, इतना खतरनाक मुजरिम आम लोगों के साथ इस बस्ती में क्यों रह रहा है? हाँ, ये बात तो है। इस चिराग के एक एक हरकत पर हमें नजर रखनी होगी, तब इस दिलावर का पूरा प्लान समझ में आएगा। लेकिन सर, नजर रखेंगे कैसे? कहीं इसे शक हो गया तो? उसका भी एक प्लान है हमारे पास। मैंने भाइयों, आप सब्जियों, मिट्टी, स्याही के दागों से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके सामने आ गया है आपके कपड़ों को साफ, स्वच्छ, चमकदार रखने वाला वॉशिंग पाउडर। वॉश ऑफ, 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 ऑफ। खुशबूदार, झागदार, स्वच्छ, सरल, निर्मल। वॉश ऑफ, 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 ऑफ। ये देखिए, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये एक शर्ट है और ये मैली। चलिए इसे और मैली कर देते हैं। अब देखिए कैसे 2 मिनट में, जी हाँ, सिर्फ 2 मिनट में वॉश ऑफ इसके सारे मैल धो डालता है। चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वॉश ऑफ। देखा ना, ये वॉशिंग पाउडर नहीं, ये एक जादू है, और दाम भी है बिल्कुल वाजिब, सिर्फ 20 रुपए। आइए लीजिए। मुझे भी एक दे दो। हाँ मैडम, आप 3 लीजिए, 2 पर 1 फ्री। 20 × 40 रुपए। थैंक यू। लाओ भाई, एक पैकेट मुझे भी दे। सर आप भी लीजिए। जो वॉश ऑफ अपनाएगा वो सालों साल कपड़े जगमगाएगा। भाई साहब, ये 113 में कोई नहीं रहता क्या? कोई वहां से आया नहीं मेरे वॉशिंग पाउडर का चमत्कार देखना? चिराग नाम का एक लड़का रहता है, पिछले हफ्ते आया है, पर ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता, मिलता जुलता भी नहीं है। आपका पाउडर लेने वो नहीं आने वाला। अच्छा, अकेला ही रहता है क्या? पता नहीं, हमें क्या फुर्सत है दूसरे घरों में ताका जाकी करने की। लाओ आप मेरे पैसे वापस दो। प्लीज सर, थैंक यू। बोलो साहब। सब मच्छी लो ना साहब, पापलेट, बांगड़ा, जिंदा भी है साहब, लो ना। नहीं चाहिए, थैंक यू। क्या साहब, देखो तो सही मच्छी, एकदम फ्रेश है। नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। साहब आपके घर में आई आपकी बाई को आयत का? कोई नहीं बाबा, जाओ यहाँ। क्या साहब, है तो वो देखो, झूठ काहे को बोलता है। कहा था ना आपसे कि बाहर नहीं आइएगा। जाइए, अंदर जाइए, प्लीज। चलो निकलो यहाँ से। क्या साहब, मैडम को अंदर काहे को भेजते हो? मैडम को देखने दो ना मच्छी। कह रहा तुमको, चलो निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, जाती है जाती है, इतना बम्बा बम काहे को कर रहा है। चलो। सर। हाँ पूर्वी। सर हमारा शक सही निकला, चिराग उस घर में अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की भी थी। कौन थी वो लड़की? सर मैंने उसे ठीक तरह से देखा नहीं, लेकिन सर मेरी मछली की टोकरी में खुफिया कैमरा था, उसमें उसकी फोटो कैद हो गई, और ये उस कैमरे की चिप। चलो शेर, देखते हैं कौन ये लड़की।
सर इस फोटो को अपने डेटाबेस में मैच करके देखती हूँ। देखो सर फोटो मैच हो गई। ये तो दिलावर की पत्नी सोनल है। दिलावर की पत्नी? लेकिन सर ये उस मामूली सी बस्ती में चिराग के साथ क्यों रह रही है? वही तो ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है इस दिलावर के दिमाग में जो उसने अपनी ही बीवी को ऐसी बस्ती में रहने के लिए भेज दिया। सर ये दिलावर किसी बहुत बड़े गुनाह की प्लानिंग कर रहा है सर, और इसे लगता है कि उसकी बीवी की जान खतरे में है और इसीलिए उसने अपनी बीवी को कहीं छुपा रखा है। हाँ, और इसीलिए उसने उसके बॉडीगार्ड चिराग को भी भेजा ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। लेकिन अब ये सोनल ही हमें पहुंचाएगी इस दिलावर तक। सोनल? लेकिन सर हम सोनल तक कैसे पहुंचेंगे? श्रेया, और सोनल तक पहुंचाएगा हमें हमारा अभिजीत। हमारा अभिजीत पहुंचाएगा हमें। मैं बॉडीगार्ड बनूंगा। सोनल मैडम का बॉडीगार्ड मैं बनूंगा सर। अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात है। दिलावर सेठ की वाइफ का बॉडीगार्ड बन गया हूँ मैं। सर मैं ये खबर अपने दोस्तों को बता देता हूँ सर। अब से तुम्हारा फोन ये। और सुन, एक महीने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तब तक सोनल मैडम का ख्याल रखना। सर सर। क्यों सचिन, अब कैसी है तबीयत? सर मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। मामूली सा जख्म? हाँ, अभिजीत सर के निशाने पर भरोसा था तुम्हें? हाँ सर, मुझे पूरा यकीन था कि अभिजीत सर की चलाई हुई गोली मेरी जान नहीं लेगी, सिर्फ मुजरिमों की आंखों में धूल झोंकेगी। और सर ये भी अच्छा हुआ कि दिलावर गैंग के किसी भी आदमी को हमारे बिछाए हुए जाल पर शक नहीं हुआ। और आधा काम तो हो गया श्रेया, अभिजीत घुस गया है उनके गैंग में, विश्वास जीत लिया उन लोगों का उसने, पक्का बन गया है वो। अब बचा हुआ आधा काम भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा सर। सर हमें किसी तरह से अभिजीत और सोनल के हर एक हरकत पे नजर रखनी होगी, क्योंकि अभिजीत का फोन अब लग नहीं रहा है। तो फिर दया, इसका एक ही मतलब है कि उन लोगों ने अभिजीत का फोन ले लिया है, जब्त किया है। काम करो, पूरी बस्ती में फैल जाओ, कोने कोने में फैल जाओ, देखते हैं ये मच्छर, ये दिलावर बचता कैसे है हमारे हाथों से। ओ गजधरवा, भगवान के नाम पे चली चली रे पतंग, चली चली रे। ये प्रेस कर दो। एक शर्ट का कितना? 10 रुपया। और पेंट का? उसका भी 10 रुपया। इतना महंगा क्यों? अरे भाई महंगाई के जमाना है तो महंगा होगा ना। आज नहीं कल मिलेगा, बहुत काम है। चली चली। अबे, एक पांव कबर पे, दूसरा पांव बाइक पे, तेरे को दिखता नहीं है क्या एक्सपायरी डेट? एक्सपायरी डेट बोला? अबे सड़े हुए कैक्टस के काटे है। काटा मेरा मेरे को? अबे तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, और मेरी छोड़, तू जानता नहीं मेरा बॉस कौन है। अरे बाप रे, अगर इसने दिलावर साहब को नाम ले लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अबे तेरा बॉस कौन है मैं जानना भी नहीं चाहता, तू जानता है मैं कौन हूँ? अरे चल चल, तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ मैं, वरना तू जानता नहीं मेरा गुस्सा कितना तेज है। तू उम्र का ढोंस दे रहा मुझे? अबे तेरे जैसे 40 को एक साथ दो पे फचाड़ मारता हूँ मैं आज भी। ए मेरा गुस्सा बहुत गर्म है, आज मंडे में हाथ नहीं उठाता किसी पे मेरा हाथ।
आज मेरा भी उपवास है, कोई रोक लो रे, मेरे हाथ से खून हो जाएगा इसका। हाथ नहीं लगाना मेरे को। क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा? हाथ तो लगा के दिखा। अरे छोड़, अभी तक करके नहीं, अबे टक्कर मार के गिरा दूंगा इसको तो। अबे अपने दादाजी को लेके जाओ, वरना एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा, समझे? अरे एम्बुलेंस मैं चलाऊंगा बे। ऐसे नहीं मानेगा। ए क्या हो रहा है? इतनी सी बात पे इतना रायता क्यों फैला रहा है? अरे बात इतनी सी नहीं है, बात इज्जत की है, समझा? अरे छोड़ मेरे को। अरे आज मंडे है, वरना मैं इसको सुनो ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोगों को पार्सल का ध्यान रखने के लिए कहा गया था ना। पार्सल का ध्यान कौन रखेगा? हेलो दया भाई, बहुत जोल झाल है। सॉरी सर, सर कुछ गड़बड़ लग रही है। ये चारों दिलावर के आदमी है, और जो दो कौवे जा रहे हैं उस तरफ, हाँ वो कौवे उस तरफ कुछ पार्सल की बात कर रहे थे। जाएंगे मगर उन जख्मों का अंत कैसे होगा? डॉक्टर ये जख्मी दिलावर की बीवी होने का इनाम है। चले जी। आप कौन? मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा। अरे ओ माय जी। डॉक्टर ये मेरे चचेरे भाई है अविनाश। चले अविनाश भैया। हाँ जी चलिए। सोनक जी मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है, फिर चाहे मुझे आपको किसी से भी क्यों ना बचाना पड़े। मैं जानती हूँ पक्या भाई आपका इशारा किस तरफ है, लेकिन कुछ जख्म किस्मत की लकीरों की तरह होते हैं जिन्हें सिर्फ सहा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। आप एक बार बोल के तो देखिए, आपकी किस्मत के हर कांटे को आपकी जिंदगी से उखाड़ फेंकूंगा। थैंक यू, आपकी बात हमेशा याद रखूंगी, और अगर जरूरत पड़ी ना आप ही से मदद मांगूंगी। हेलो कब और कहाँ? ठीक है। अरे नहीं आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं उठा देता हूँ। कब का फाइनल हुआ? गणपति ये लीजिए। चले अविनाश भैया। चल चल। सर अभिजीत ये उन स्कूल्स की लिस्ट है जो सुबह 9 बजे शुरू होते हैं और 2:30 बजे खत्म हो जाते हैं। 7 स्कूल्स हैं, 7। और ये देखो स्विमिंग लेसन भी है 4 बजे से 6 बजे तक। यस सर। अभिजीत इन 7 स्कूल में से कोई एक स्कूल है जो हमें इस दिलावर के करीब ले जाएगा। अरे नहीं आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं उठा देता हूँ। अभिजीत के साथ बात हो गई? हाँ सर वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज्यादा कुछ कह नहीं पाए, उन्होंने बस एक ही शब्द कहा मुझसे। एक शब्द? क्या? गणपति। गणपति गणपति गणपति। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिजीत सर गणेश उत्सव की बात कर रहे थे? अभिजीत वही बात कर रहा था। सर परसों गणेश चतुर्थी है, गणपति आने वाले हैं, हमारे पास सिर्फ 2 दिन हैं इस टाइम टेबल के राज तक पहुंचने के लिए। अभिजीत पहले स्कूल के टाइम टेबल का राज पता लगाना चाहिए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी जी। क्या बात है सर?
वैसे आप रेडवुड स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर हैं ना? जी हाँ। एक बात बताइए, क्या आपके स्कूल में स्विमिंग के लेसन्स शाम के 4 और 6 बजे के बीच सोमवार से लेकर शनिवार तक होते हैं ना? जी हाँ सर। पिछले कुछ दिनों में कुछ अजीब हुआ था आपके स्विमिंग क्लासेस में? अजीब मतलब? अजीब मतलब क्या आपने, मेरा मतलब है आप में से किसी ने भी किसी अजनबी को या किसी अपरिचित आदमी को स्विमिंग पूल के आसपास या फिर स्कूल में देखा है? नहीं सर, ऐसा तो किसी को नहीं देखा। या फिर आपके किसी स्टूडेंट ने स्विमिंग लेसन के लिए आना ही बंद कर दिया, स्कूल आना ही बंद कर दिया? बच्चा जो स्कूल में नहीं आ रहा, क्लास में भी नहीं आ रहा। हाँ सर, सन्नी नाम का एक लड़का है जो अभी स्विमिंग क्लासेस भी नहीं आ रहा और स्कूल भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, अब वजह क्या बताई उसने नहीं आने की? सर उसके पिताजी का फोन आया था, कह रहे थे कि वो अपनी नानी के यहाँ जा रहा है इंदौर। मुझे भी हैरानी हुई कि कोई बच्चा स्कूल के एग्जाम के इतने करीब होने के बाद इतनी लंबी छुट्टी कैसे ले सकता है। बिल्कुल। वैसे कब आया था सनी के पिताजी का फोन? 8 सितंबर। 8 सितंबर? जी सर। मंगर का खून भी उसी दिन हुआ था। इनका एड्रेस तो मिल सकता है ना? जरूर सर, मैं स्कूल रिकॉर्ड से अभी उनका एड्रेस निकलवा कर आपको दे देता हूँ। वैसे सनी के पिताजी भी आप लोगों की तरह ही देश की सेवा करते हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं वो, मिस्टर मिलिंद। इंटेलिजेंस ऑफिसर है मिस्टर मिलिंद? सर वो लोग खिलौने खरीद रहे। खिलौने खरीद रहे? ठीक है, नजर रखो उन पर। हाँ सर। कौन कौन सा टॉफी है तेरे पास? अरे ये लेते हैं ना। ये निकाल, बच्चे को ये पसंद आएगा। सही है सर, ये लोग किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। कहीं उसी बच्चे के लिए तो नहीं जिसका शेड्यूल हमें उस कागज पर मिला था? सर हो सकता है दिलावर के बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। सवाल के किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। वो दोनों गायब हो गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ओह नो। ठीक है कोई बात नहीं, ये दो हमारे टारगेट नहीं है। दिलावर हमारा टारगेट है। आसपास नजर रखो। कौन आया है इस वक्त? कौन है? ठीक है, ये किससे मिलना है आपको? हम लोग CID से। मिलिंद जी हैं घर पे? जी हाँ, मैं हूँ मिलिंद। बोलिए। मिलिंद जी, मैं ACP प्रद्युमन CID से। अरे सर आपको कौन नहीं पहचानता, आइए ना प्लीज। आइए सर। सर कैसे आना हुआ? वैसे आपके बेटे के स्कूल से हमें पता चला कि आप एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। जी हाँ, मैं IB डिपार्टमेंट में हूँ। पर आप लोग मेरे बेटे के स्कूल क्यों गए थे? एक केस के सिलसिले में। वैसे आपका बेटा सनी है कहाँ? वो तो मैंगलोर गया हुआ है अपने चाचा के घर पर। क्या, मैंगलोर गया अपने चाचा से मिलने के लिए? लेकिन सनी के स्कूल वाले तो बता रहे थे कि वो अपनी नानी से मिलने के लिए इंदौर गया हुआ है। जी हाँ, पहले वो इंदौर गया हुआ था लेकिन अभी वो मैंगलोर गया हुआ है। पर किसी भी केस से सनी का क्या लेना देना? बात ये मिलिंद जी कि अपने दिलावर का नाम तो सुना ही होगा ना? वो मशहूर गैंगस्टर जिसने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। हाँ वही। मिलिंद जी, दिलावर के गैंग के मेंबर की जेब में से एक कागज का टुकड़ा मिला है जिस पर आपके बेटे सनी के स्कूल का टाइम टेबल है, रेडवुड स्कूल का। सोमवार से शनिचार तक 9 बजे से 2:30 बजे तक स्कूल, और फिर
चार बजे से छह बजे तक स्विमिंग के लेसन्स। तुम्हारे बेटे का स्कूल का टाइम टेबल किसी गुंडे के जेब में, ये कैसे हो सकता है? क्या ये कागज मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल प्लीज। सर इसमें ना तो सनी का नाम लिखा हुआ है और ना ही सनी के स्कूल का नाम लिखा हुआ है, तो आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये टाइम टेबल सनी के स्कूल का ही है? मिलिंद जी, जिस दिन मंगल मारा गया उसी दिन आपने सनी के स्कूल में, मतलब रेडवुड स्कूल में फोन करके कहा कि सनी 7 दिन के लिए स्कूल नहीं आएगा। जी हाँ किया था, लेकिन सर आप किस बात को कहाँ ले जाकर जोड़ रहे हैं? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरे बेटे सनी के अलावा किसी और बच्चे ने छुट्टी जरूर ली होगी, पर इससे दिलावर गैंग का क्या संबंध? देखिए मिलिंद जी, अब हर बच्चे के पिता इंटेलिजेंस ऑफिसर तो होते नहीं। वन मिनट, एक्सक्यूज मी। सर आप लोग चाय कॉफी लेंगे क्या? जी नहीं, थैंक यू वेरी मच, अब हम लोग चलते हैं। थैंक यू। सॉरी सर, एक जरूरी फोन कॉल आ गया था, मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है तो इसलिए मुझे निकलना होगा। और हाँ सर, कुछ दिनों में सनी मैंगलोर से आ जाएगा तो आप खुद ही आकर उससे मिल लीजिएगा, तो आपको भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। का फोन क्यों नहीं लग रहा? हेलो। हाँ दया, बोलो। हाँ सर, सर मैं आपको ट्राई कर रहा था। सर लगता है कि इस केस में एक बच्चा भी शामिल है, तो दो गुंडे किसी बच्चे के लिए कुछ सामान खरीद रहे थे। दया, बच्चा शामिल है मतलब बच्चे को किडनैप किया गया है। बच्चे का नाम सनी है और उसके पिता का नाम मिलिंद, और ये मिलिंद एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है। लेकिन दया, ये मिलिंद हमसे छुपा रहा था कि उसके बेटे का किडनैप हुआ है, समझे? हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं अचानक कहीं गायब हो गई उसकी गाड़ी। सर इस मिलिंद का MMS भेज दीजिए मुझे। अगर यहाँ आसपास कहीं दिखाई दिया तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ दया, मिलिंद के फोटो के साथ तुम्हें सनी का भी, मतलब उसके बेटे का भी फोटो भेजता हूँ। हेलो हेलो दया, हेलो हेलो, बोल बज रहे जोर जोर से। हेलो दया, हेलो को एक जोक सुना हो गया? जोक? चुटकुला? एक बार एक आदमी लाइब्रेरी जाता है किताब पढ़ने। उसने एक मोटी सी किताब निकाली लाल रंग की। 3 घंटा पढ़ने के बाद उसको बहुत बोर हुआ। वो लाइब्रेरी वाले से बोला, बॉस कैसा किताब है? हर किताब में पहले कहानी लिखी होती है, बाद में राइटर का नाम होता है। इस किताब में तो राइटर लोगों के नाम लिखे ले, कहानी तो है नहीं। तो लाइब्रेरी वाला बोला, बॉस जो किताब तुम पढ़ रहे हो ना, वो कहानी का किताब नहीं है, बल्कि टेलीफोन की डायरेक्टरी है। टेलीफोन डायरेक्टरी। इसी बहाने आप थोड़ा हंसी तो। थैंक यू। थैंक यू। अरे आपको जोक अच्छा लगा तो एक और सुनाता हूँ। नहीं नहीं, जोक के लिए थैंक यू नहीं था, थैंक यू इसलिए क्योंकि आप मेरी इतनी परवाह करते हैं। हॉस्पिटल के क्लिनिक में भी आपने जो कुछ भी कहा कि आप पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी मेरे लिए कर रहे हैं, वो तो सिर्फ एक भाई अपनी बहन के लिए कर सकता है। हाँ
अब मेरे को अपना भाई समझो ना। वैसे भी मेरी कोई बहन नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे? मैं हूं ना आपकी बहन। आप चिंता मत करना सोनल जी, मैं आपको जरूर यहां से आजाद कराऊंगा, ये भाई का वादा है। सही, तो फिर मुझे यहां से जाने दीजिए। मैं यहां से इतनी दूर चले जाना चाहती हूँ कि किसी ऐसी जगह जहां पर दिलावर तो क्या उसका साया भी मुझ तक ना पहुंच सके। नहीं नहीं, ये काम इतना आसान नहीं है। दिलावर के आदमी हम पे नजर रखे हुए हैं, ये काम हमें सोच के और समझदारी से करना पड़ेगा। मुझे बस्ती वाले गणपति जी के दर्शन के लिए ले जा सकते? ठीक है। लगता है जो कुछ भी होने वाला है इसी गणेश पंडाल में होने वाला है। बात है, मिलिंद इसीलिए यहाँ आया होगा उन लोगों को मिलने के लिए, उसके बच्चे को किडनैप जो किया उन्होंने। हाँ सर, ये वही लोग होंगे जो बच्चों के लिए कुछ सामान खरीदे। हाँ, चौकन्ना रहना सब लोग। मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। थोड़ी देर और ना भैया, भगवान की शरण में आके तो मन हल्का होगा। वो बात तो है सोनल, लेकिन भैया 2 मिनट। अच्छा ठीक है, जल्दी है। बस वो देखो उधर। सर, ये जगह और भेजा भाई है दिलावर के आदमी, और सर इनके साथ सनी भी है। और सनी इस तरह से मुस्कुरा रहा है जैसे उसे पता ही ना हो कि उसके साथ क्या हो रहा है। सुनो, चलो सुनो, चलना चाहिए। अरे ये क्या, अभिजीत सर मिलिंद और जग्गा के पास क्यों जा रहे हैं? कौन बनेगा करोड़पति के सभी आकर्षक बिहाइंड द सीन और सेलिब्रिटी वीडियोस देख सकते हैं kbcsony.com पर। kbcsony.com पर आप खेल सकते हैं KBC गेम्स और जीत सकते हैं iPads। इस ग्लोब क्विज में आप अपने कंट्री से संबंधित सवालों को चूज कर सकते हैं और पा सकते हैं इंस्टा हॉट सीट पर बिग बी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका। तो जल्दी कीजिए और लॉग ऑन करें kbcsony.com पर।